स्वागत है आपका, आपके साथ मैं हूं शल्पा रावत। न्यूज का रहला देख रहे हैं आप और खबर सबसे पहले राजधानी देहरादून से है, जहां भारी बारिश के चलते स्कूल बंद है। कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी सरकारी निजी स्कूल बंद, आंगनबाड़ी और प्ले स्कूल भी बंद है। तो आपको बता दें, चूंकि काफी तेज बरसात यहाँ पर हो रही है, एहतियातन यहाँ पर स्कूल को बंद किया गया है। सभी आंगनबाड़ी, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो या फिर गवर्नमेंट स्कूल हो, सभी स्कूल फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। 1 से 12वीं तक के स्कूल बंद किए गए हैं, आंगनबाड़ी और प्ले स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि कुछ जिलों में येलो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। संभावना ये भी है कि रेड अलर्ट भी हो सकता है, क्योंकि बरसात जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड की तस्वीरें भी सामने आ रही है। और ऐसे में एहतियातन अब देहरादून में भारी बारिश के चलते स्कूल्स को बंद किया गया है। सभी सरकारी प्राइवेट स्कूल जो है बंद है। इसके अलावा जो छोटे बच्चों के प्ले स्कूल है या फिर आंगनबाड़ी है, उनको भी बंद करने के आदेश हो चुके हैं। तो ऐसे में सभी स्कूल्स बंद किए गए। फिलहाल एहतियातन ये कदम उठाया गया है, ताकि किसी तरीके की दिक्कत स्कूली बच्चों को ना हो, छोटे बच्चों को ना हो, और इसीलिए इन्हें बंद किया गया है। यानी कि जो स्कूल के बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जाएंगे, प्ले स्कूल के बच्चे प्ले स्कूल नहीं जाएंगे। 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल जो है वो बंद कर दिए गए हैं, चाहे वो प्राइवेट के हों या फिर गवर्नमेंट स्कूल हो। सुरेंद्र इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, स्कूल्स कहा जा रहा है भारी बारिश के चलते बंद किए गए हैं यहाँ पर, क्या जानकारी है आगे के लिए? ये स्कूल्स आज ही बंद किए गए हैं या फिर आगे का क्या प्रोसेस, आगे कितने दिन के लिए बंद रहेंगे? देखिए, शिक्षा विभाग ने मुख्य शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी किया है, उन्होंने कहा कि क्षेत्र में बारिश हो रही है, वहां के जो खंड शिक्षा अधिकारी है वो अपने हिसाब से छुट्टी का डिसीजन ले। रायपुर ब्लॉक में जितने भी स्कूल हैं वो फिलहाल बंद किए गए हैं, उनके लिए आदेश है। लेकिन इस आदेश को लेकर एक सवाल भी उठता है कि एक दिन पहले ये आदेश आना चाहिए था। स्कूल के बच्चे जब स्कूल पहुंच चुके हैं उसके बाद आदेश आने का कोई मतलब नहीं रह जाता। कई सारे स्कूल ऐसे हैं जो स्कूल इस समय खुले हैं, उसका कारण यही है कि समय से कोई आदेश जारी नहीं किया गया, और इसे लेकर अब। चलिए, शुक्रिया आपका। ये सवाल जो कि सुरेंद्र उठा रहे थे, वाकई में जायज है कि जिस दिन छुट्टी घोषित की गई है उसी दिन ये छुट्टी घोषित की जा रही है। पहले से इसकी जानकारी किसी भी तरीके से पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को नहीं दी गई थी, जिसके चलते जो छोटे बच्चे हैं वह स्कूल पहुंचे हुए हैं।